वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास जो है वो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड एंड एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स। आज की हमारी वीडियो जो है वो साइंटिफिक मेथड के ऊपर है और इसके जो स्टेप्स हैं उस पर है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? द मेथड विच हेल्प्स टू कलेक्ट फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि ये आपको हेल्प करता है कलेक्ट फैक्ट्स। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये आपको हेल्प करता है कलेक्ट फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि इसमें, अब देखें, एक बात तो इससे क्लियर हो रही है कि इसके स्टेप में ऑब्जर्वेशन आएगा क्योंकि ऑब्जर्वेशन से ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज एक्सपेरिमेंट आएगी। अब किसी चीज के लिए भी अगर आप साइंटिफिक मेथड लगाना चाहें तो उसके लिए आपको पहले ऑब्जर्वेशन करनी होगी कि आया जो आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अगर एक्सपेरिमेंट हो तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट इसके स्टेप पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने किसी चीज को लेकर साइंटिफिक मेथड जो है वो बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो आप साइंटिफिक मेथड किसी चीज का कैसे कैसे उसको प्रूव कर सकेंगे, कैसे उसको लॉ बना सकेंगे। तो इसके स्टेप्स पढ़ते हैं। स्टेप्स क्या हैं? अच्छा, इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड वन इज हाइपोथेसिस, थर्ड है थ्योरी, फोर्थ है एक्सपेरिमेंट एंड फिफ्थ है लॉ। अच्छा, ये जो स्टेप्स है ना ये मतलब लाइन वाइज चलेंगे। जैसे आप कहें कि मैं पहले ऑब्जर्वेशन कर लेता हूँ यार, उसके बाद जो है वो एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, तो ये गलत होगा। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है हाइपोथेसिस, ठीक है, थर्ड है हमारा जो है वो थ्योरी है, और फोर्थ हमारा एक्सपेरिमेंट एंड फिफ्थ लॉ। जो एक्सपेरिमेंट में चीज बन जाए उसी को हम बाद में जो है वो रिटर्न फॉर्म लॉ में आ जाती है वो चीज। कि जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया कि H जो है वो दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा तो ये बनेगा वाटर, ठीक है। तो अब हमारा जो वाटर बन गया, हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, तो अब वो लॉ बन गया कि भाई यही जो दो चीजें होंगी अब इन्हीं से ही वाटर बनेगा, तो ये लॉ बन गया, ठीक है। आई होप के क्लियर हो गए होंगे 5 स्टेप्स। आगे पढ़ते हैं कि ऑब्जर्वेशन कैसे है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ 5 सेंस। अब यहां पर क्या मुराद है कि भाई आप देखें, जैसे आप कोई भी चीज ऑब्जर्व करते हैं विद योर 5 सेंस। 5 सेंस मीन्स आप किसी को बोलते हो, कोई झूठ बोल रहा है आपको तो आप उसका झूठ एकदम से पकड़ लेते हो। इट्स मीन आप में जो 5 सेंस हैं वो मतलब अच्छे हैं इस तरह के। ये ऐसे 5 सेंस होते हैं जो इंसान को नज़र तो नहीं आते लेकिन उसकी एक ऑब्जर्व करने की पावर अच्छी होती है, तो उसको 5 सेंस कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एंड द साइंटिफिक इक्विपमेंट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। के भाई देखो, 5 सेंस से आपने ऑब्जर्व तो कर लिया और उसके बाद आपने जो है वो साइंटिफिक इक्विपमेंट थी, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि आपने जो ऑब्जर्व, अच्छा मैं पढ़ लेता हूं पहले। द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो आपने ऑब्जर्व किया है कि आपने ऑब्जर्व कुछ भी किया तो अब उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आया ये यूं हुआ होगा, तो वो आपकी एक्सप्लेनेशन है। तो अब वो जो आपने जो फैक्ट्स जो है वो ऑब्जर्व किए हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या नेक्स्ट स्टेप है हमारा? थ्योरी। अच्छा, इफ द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड थ्योरी। के मतलब कि जो आपने हाइपोथेसिस की है, आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो काबिले कबूल हो जाती है, तो आप जो है वो थ्योरी के स्टेज पर पहुंच जाएंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि अब आप कोई एग्जांपल लें अपने माइंड में, ये चीज़ होती है तो आप ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन मतलब हाइपोथेसिस देते हो, उसके बाद आप अगर आपकी हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाती है, काबिले कबूल हो जाती है कि आया ये सही है, तो आपका वो जो पार्ट होता है वो आप थ्योरी में मूव कर जाते हो। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट आर डिजाइंड टू टेस्ट द थ्योरी, द थ्योरी इज चेक्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट। वही स्टेप है कि मतलब आपने जो थ्योरी आपने पेश की है, ठीक है, उसके बाद अब वो आप उसका टेस्ट कर रहे हो और वो सही हो रही है या गलत हो रही है वॉट एवर, लेकिन अभी हम एक्सपेरिमेंट के स्टेप में हैं, तो अब जो आपने थ्योरी दी है वो चेक करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि आया ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मैंने दी है, ये सही है या गलत। तो 5 स्टेप पढ़ते हैं। इफ प्रिडिकेट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन बाय एक्सपेरिमेंट्स द थ्योरी इज सपोज टू बी करेक्ट एंड देन दिस थ्योरी बिकम्स अ लॉ। के मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट अगर आपका एक्सपेरिमेंट सही हो गया इन सेंस, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो ही आपका क्या बन जाएगा, लॉ। के मतलब मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि H2O है, ठीक है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, वाटर। अब पहले किसी ने ऑब्जर्व किया होगा इन दोनों चीज़ों को, ठीक है, उसके बाद किसी ने इसकी हाइपोथेसिस की होगी, उसके बाद किसी ने थ्योरी दी होगी कि भाई ये यूं हो रहा है, ठीक है, हाइपोथेसिस उसकी एक्सेप्ट हो गई होंगी। अच्छा, उसके बाद किसी ने उसका जो है वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, अब एक्सपेरिमेंट उसका कामयाब हो गया, तो अब उसकी बिना पर ये लॉ बन गया कि भाई ये जो वाटर है ये लॉ बन गया क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये सही हुआ है। इस वजह से जो एक्सपेरिमेंट आपका कामयाब हो जाता है वो आपका लॉ बन जाता है कि भाई ये यूं होगा तो ये यूं होगा। आई होप के आपको साइंटिफिक मेथड एंड उसके स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।